हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेगुलर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और ये पूरी तरह से परमानेंट भर्ती है। पूरे छत्तीसगढ़ में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है और योग्यता जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है, जैसे कि 8वीं, 10वीं और 12वीं योग्यता पास इसके लिए मांगा गया है। साथ ही और भी क्या कंडीशन रखे गए हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। जल्दी आवेदन करना है, टाइम कम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको लेटेस्ट टाइम पर मिलते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग से जारी किया गया है और ये जो वैकेंसी है वो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों हेतु नियुक्ति के लिए इस विज्ञापन को जारी किया गया है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों वो रहेगी 10/8/2023, यानी कि 10 अगस्त शाम के 5:30 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको करना कैसे है ये अभी आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पद के लिए है। ड्रेसर ग्रेड 1 तृतीय श्रेणी है ये, ड्रेसर ग्रेड 2 ओपीडी अटेंडेंट चतुर्थ श्रेणी है, ठीक है। इसके लिए पदों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है। कुल रिक्तियाँ हैं ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 13, ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 6, ड्रेसर ओपीडी अटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट हैं। इसके अलावा भृत्य के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है, भृत्य वार्ड बॉय के लिए 11 पोस्ट है, आया के लिए यहाँ पर 26 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग वर्गवार भी जो है पदों का डिटेल दिया गया है। वर्गवार कितने कितने पद की रिक्तियाँ हैं यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीपर के भी पद हैं और चौकीदार के भी हैं, ठीक है। स्वीपर के लिए यहाँ पर 11 पद हैं स्वीपर के और चौकीदार के 8 पद हैं। विज्ञापित पदों की जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 10+2 यानी 12th उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ। तो इसके लिए विज्ञान होना अनिवार्य है, विज्ञान विषय के साथ आपको 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन भी आपका होना चाहिए। और विकलांगता यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरी का मान्य है वो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 पद्धति से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं मांगा गया है, ठीक है। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 10वीं मांगा गया है। विकलांगता का प्रकार यहाँ पर दिया गया है, ये लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। ओपीडी अटेंडेंट के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 12th होना चाहिए, लेकिन आर्थोपेडिक कम ड्रेसर पैरामेडिकल भी उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 10वीं, ओपीडी के लिए 8वीं, भृत्य चतुर्थ श्रेणी के लिए आपको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, भृत्य वार्ड बॉय के लिए आपको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, आया के लिए आपको कम से कम 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, स्वीपर के लिए 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है, चौकीदार के लिए आपका कक्षा 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। इस प्रकार से इसकी शैक्षणिक योग्यता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नियम और शर्तें यहाँ पर दिया हुआ है कि जिन पदों के लिए काउंसलिंग में पंजीयन प्रावधानित है उक्त पदों के लिए आवेदन तिथि को जीवित स्थायी पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि जिस किसी भी पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो पंजीयन में आपका वो रिकॉर्ड होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए आपका, जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, तभी आपका आवेदन वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 10 संख्या किसी भी पद के लिए अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो 1 से 10 तक 10 गुना बुलाया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा अप्लाई करते हैं 11 से 50 होने पर कुल रिक्ति पदों का 5 गुना वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। दस्तावेज आपके पास क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। दस्तावेज परीक्षण के समय 8वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची, जन्म सत्यापन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची इत्यादि, तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, स्थायी जीवित रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांगता वाले कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका होना चाहिए। इसके अलावा शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिए गए समस्त प्रविष्टियाँ मूल दस्तावेज के अनुसार ही सही होना चाहिए। बाकी जो जानकारी है वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो है पूरी सूचना ये PDF जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, durg.gov.in पर से।
साथ ही ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक से अधिक पद के लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो आवेदन है वो ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा, तो एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के लिए निर्धारित अंक यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार से मेरिट बनेगी शैक्षणिक योग्यता का 40% प्लस तकनीकी योग्यता का 45%। ये जो है तृतीय श्रेणी के पद क्रमांक एक के लिए, जो पद क्रमांक एक अभी मैंने ऊपर लिस्ट आपको दिखाई थी। अनुभव का 15 अंक दिया जाएगा। कोविड-19 के समय बोनस अंक अधिकतम 10 अंक आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद क्रमांक दो के लिए किस प्रकार से काउंट किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता का 85%, अनुभव के 15 और कोविड-19 के बोनस अंक के 10 अंक आपको अधिकतम दिया जाएगा। इसके अलावा क्रमांक 3 से लेकर 8 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता का 85%, अनुभव के 15 अंक और कोविड वाले बोनस के लिए 10 अंक अधिकतम दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। आयु सीमा में क्या क्या छूट रहेगी इत्यादि यहाँ दिया गया है। दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में गणना की जाएगी आयु की, न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष, साथ ही छूट के साथ सभी छूटों को मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास जाति सत्यापन का स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र अगर आप जाति आप लगा रहे हैं तो। रोस्टर 100% बिंदु रोस्टर का पालन किया गया है इसमें। बाकी सारी जानकारियां यहां पर दी गई है। अब आपको देखिए आपको आवेदन कैसे करना है। ऑफिशियल वेबसाइट durg.gov.in पर आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर के आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ या फिर टेलीग्राम चैनल में आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पर और बाकी सारी जानकारियाँ लगभग मैं दे चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी, जिसमें 70%, 80% और 90% का पालन किया जाएगा और बाकी सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है, इसका अवलोकन आप कर लेंगे। ये पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आई होप आपको सारी जानकारी यहाँ पर से मिल गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।